दोस्तों वीडियो डिलीट करने के बाद जो है हम लोग सोचते हैं कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने वीडियो डिलीट करके, कि YouTube वीडियो डिलीट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, हमने सही किया है कि गलत किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूं कि YouTube वीडियो को डिलीट करने से होता क्या है, क्या इसका सही चीज क्या है, डिलीट करना चाहिए कि नहीं डिलीट करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और इसकी बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोग देख सके और उसको देखकर जानकारी ले सके, क्योंकि मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि मैंने भी एक वीडियो डिलीट कर रखा था उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है अपने अपने चैनल को मैं आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पर देखिए मेरा चैनल है रजनी टेक, ठीक है, यहां पर 1249 सब्सक्राइबर मेरे दिख रहे हैं, ठीक है, अभी मौजूदा हालत में। तो दोस्तों मैंने क्या किया था इसमें, अभी इसी महीने में मैंने यहाँ पर देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया था एक वीडियो डिलीट कर दिया था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उस वीडियो डिलीट करने से क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे कि दोस्तों मैं देखिए यहाँ पर गोला कर रहा हूँ, मैंने जो है यहाँ देखिए 5 मार्च 2024 को, ठीक है, 5 मार्च 2024 को एक वीडियो यहाँ पर डिलीट किया था। देखिए यहाँ पर जहां मैं अभी टिक लगाया हूँ, यहाँ पर देखिए एक वीडियो डिलीट किया था मैंने। तो इस वीडियो को डिलीट करने से मेरे पे पता क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, मेरे वीडियो पर देखिए जितने भी व्यूज आए थे ये देखिए 468 व्यूज ये माइनस हो गया, प्लस उस वीडियो से एक सब्सक्राइबर आया हुआ था, ठीक है, वो सब्सक्राइबर भी मेरे वीडियो से मेरे चैनल से हट गया। तो दोस्तों वीडियो डिलीट करने से देखिए अब यही इफेक्ट पड़ता है कि हमारे चैनल पर जो व्यूज मतलब हमारे वीडियो पर जो व्यूज आया रहेगा वो भी हट जाएगा, ठीक है, और जो हमारा चैनल को उस वीडियो के माध्यम से सब्सक्राइब किया होगा वो भी वहां से हट जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारे वीडियो को हमको अपने वीडियो को डिलीट करने से ये इफेक्ट पड़ता है। दूसरी चीज और क्या है, जब हम वीडियो को डिलीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद जब व्यूज हमारा वहां से हट जाता है उतना, तो हमारा चैनल जो है पीछे आ जाता है, ठीक है, हमारा जो है रीच वहां से कम होने लगता है। हमारे वीडियो को जैसे मैंने वीडियो डिलीट कर दी, ये वाली वीडियो मैंने जो डिलीट करी है उससे क्या हुआ मेरे चैनल पर इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि मैंने वो वीडियो जो मतलब अपलोड करी थी उसमें देखिए 468 व्यूज आया हुआ था, ठीक है। इस तरीके से हमारे वीडियो पर जो है हमारे चैनल पर जो है व्यूज कम होने लगा, व्यूज कम होने लगा, क्यों कम होने लगा, मैंने एक वीडियो डिलीट करी, ठीक है, अब जितने लोगों ने मेरे वीडियो को देखा था वो लोग के पास वीडियो भाई अब उस तरीके से नहीं, वो वीडियो नहीं मिल पाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं अब दूसरी वीडियो डालूंगा उस पर, अब वीडियो जब डालूंगा तो वो उनके पास जाएगी कि नहीं जाएगी ये नहीं पता है, क्योंकि नए लोग होते हैं उनके पास वीडियो बहुत लेट में पहुंचता, बहुत देरी में पहुंचता, अब जो वो लोग वीडियो उसको देख रखे थे उनके पास वीडियो लेट जाने लगेगी, उसके बाद हमारा व्यूज कम होने लगेगा, ठीक है। अब उस वीडियो को देखकर उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, जो सब्सक्राइब किए थे वो उनको उस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे ये नहीं पता है, ठीक है। तो एक चीज हमारे चैनल पर होता है कि अगर हम कोई वीडियो डिलीट करते हैं उससे हमारे चैनल पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, हमारा रीच डाउन होने लगता है, हमारे व्यूज जो है कम होने लगते हैं, सब्सक्राइबर भी कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, लेकिन और क्या होता है उसमें, ये होता है कि अगर हम वीडियो को लगातार डाउन मतलब वीडियो को लगातार जो है अपलोड करते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं, तो हमारा जो है रीच जो है वो सही होने लगता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से जब हम वीडियो को बराबर अपलोड करते रहते हैं तो हमारा चैनल जो है ग्रो होने लगता है और हमारे सब्सक्राइबर और भी आने लगते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी थी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता चैनल पर, लेकिन हाँ एक चीज है कि मोनेटाइज होते समय जब आपका चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करो, तो उस समय आपको जो है वीडियो डिलीट नहीं करनी है, ठीक है, उस समय आपका चैनल रिव्यू पर होता है, अगर आप उसमें कोई छेड़खानी करते हैं तो आपके मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर सकता है यूट्यूब, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि आपको चैनल का मोनेटाइज होते समय मोनेटाइजेशन के लिए जाने मतलब जब जाता है उस समय आपको वीडियो डिलीट नहीं करनी है, ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान में रखिएगा नए यूट्यूबर्स जितने भी हैं, ठीक है। तो दोस्तों और कुछ भी नहीं है इसमें, और जो कुछ भी है मैं आगे आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, जैसे जैसे मेरे साथ जो होगा मैं उस तरीके से आप लोगों को बताकर शेयर करूंगा सारे बातें, और आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।